नमस्कार, इंडिया खबर लाइव में आप सबका स्वागत है। अभी हम नर्मदा जिले के बर्नेश्वर तहसील के केवड़े गांव आए हुए हैं। आप यहां पर वीडियो में देख सकते हो, यहां पर केवड़े गांव के कुछ गाँव लोग हैं, वो अपनी मांग को लेकर आज यहां पर इकट्ठे हुए हैं। आइए, हमारे साथ कुछ ऐसे ही गाँव लोग जुड़ चुके हैं, उनसे ही जानने का प्रयास करेंगे कि वो यहां पर क्यों इकट्ठे हुए हैं और उसकी क्या मांग है। क्या नाम है आप? आप यहां पर आज इकट्ठे हुए तो अपनी कौन सी मांग को लेकर इकट्ठे हुए? और भी यहाँ पर हमारे साथ एक महिला जुड़ चुके हैं, हम उनसे भी जाने का प्रयास करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? ललिता बेलगोटी। आप यहाँ पर क्यों इकट्ठे हुए हो? हमें हमारी मांग ना लीजिए भीगा वगैरह से, हमारी जमीन हमारी है बराबर, तो सरकार आ जमीनों पड़ा भी ले से, ने आ टेकरी से टेकरी ने पण एमने तंबू बांधी दीधो से, तंबू बांधे तो एमने हूँ क्या तंबू बांधे तो ये लोग हूँ कही कि आतंकवादी आवना से, आतंकवादी आवता तो भलो आवता अमरा गामडा माणसों ने मारी नाखे तो वांधो नहीं आवे, पर तमे आतंकवादी केटा बूढ़ा छो, आतंकवादी आवशे ने एटलो हारो कोई भय आवशे बॉम्ब मेकिन जतो रहेशे, पर तमे तो आतंकवादी केटा बूढ़ा छे, अहींया हूँ काम आवा छो, अमारे त्या अहींया हूँ चोरी थवानी छे, अहींया टेकरी पर तंबू बांधवानी जरूर छे। અમારી જમીનો તો બધી છીનવી લીધી, એકવાર કરી લીધી, હવે અમારે ક્યાં ખાવાનું, શું કામ કરીને અમે ખેતરમાં જીવશું? ખેતરો તો બધા તમે માગી લીધા, તો પછી અમારે વાવવાનું ક્યાં? અમારા લોકો શું ખાશે ને હમણાં ક્યાં રહેવાનું? એની કોઈ જવાબદારી લાગશે કે આ ગામને આ કોઈ ખવડાવવાનું પૂરું પાડશે? નાના નાના બચ્ચોને લઈને અમારે ક્યાં જવાનું? ને ના મળે અમારા ગામમાં સંડાસ બાથરૂમનું કશું ના મળે, તો અમારે ખુલ્લામાં જવાનું હોય તો એ ટેકરી ઉપર તંબુ નાખી દીધો, તો અમારી બહેનો જાય ક્યાં? ભાઈઓ તો ભલે જાય, પણ બહેનો ક્યાં જાય? બહેનોને તો મર્યાદા રાખો તમે, ને નદીમાં પાણી ભરી દીધું તો એ બાજુ ક્યાં જાય? ના નદીમાં જવાય કે ના આ બાજુ જવાય, તો જવાનું ક્યાં? અમારે કોણ બાંધી આપવા આવશે? કોણ નવરો છે અમારી પાછળ એ બહેનોને સાચવા વાળો? અહીં ટેકરી પર કેમ બેઠો? એ તંબુ એમનો તંબુ ઉખડી લઈ જશે તો જ અમે એથી હટવાના છે, અમે અહીંયા જ રહેશું, જ્યાં સુધી તંબુ નહીં હટે ત્યાં સુધી અમે પણ હટવાના નથી, રાત જાય કે દિવસ જાય, એમ તો અમને મારી જ નાખેલા છે, જીવતા પણ મળેલા જ છે, અમને કોઈ એમનો ડર નથી। तो ये थे यहाँ पर हमारे केवड़िया गांव की महिला, जिन लोगों का कहना है कि आज हम यहाँ पर अपनी एक मांग को लेकर इकट्ठे हुए हैं। हमारी एक ही मांग है, यहाँ पर पुलिस द्वारा जो जो यहाँ पर लगाए गए हैं, हम यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे और आपको इसी जगह पर ले जाते हैं। यहाँ पर केवड़िया गांव में एक बड़ी टेकरी आई हुई है और टेकरी के पास वहाँ पर पुलिस द्वारा यहाँ पर तंबू लगाया गया है। इस तंबू को हटाने के लिए आज केवड़िया गांव के लोग इकट्ठे हुए हैं और उन लोगों की एक ही मांग है यहाँ पर कि यहाँ पर जो पुलिस द्वारा ये जो तंबू जो लगाया गया है, वो तंबू जो है वो यहाँ से तत्काल दूर किया जाए, और जब तक यहाँ से ये तंबू दूर नहीं किया जाएगा तब तक हम इधर ही रहेंगे और यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। आइए, हमारे साथ यहाँ पर महिलाएं जुड़ चुकी हैं, हम उनसे भी जाने का प्रयास, यहाँ पर एक महिला जुड़ चुकी है, उनसे भी जाने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? तो आप यहाँ पर अपनी कौन सी मांग को लेकर आज इकट्ठे हुए हो? हमारे ये मांग है कि हमारे जो टेकरी है, एक सपनेश्वर महादेव की टेकरी आवेली है, त्या गाड़ी ये लोग एस आर पी ग्रुप हो, पुलिस स्टेशन हो, निगम हो, सत्ता मंडल हो, अमार त्या तंबू अमे काले गई काले आयोजन पत्र आप ऑफिस में तो लोग ने एवं कीधु कि अमे तंबू तमें हटाई लो, निगम आने आप तंबू तमो हटाई लो, एट तंबू नहीं हटाव एट अमे आज अहीं सत्याग्रह सावणी करवा माटे बेठा छे, ने तंबू ए लोकोने जाण करवानी के तमे जरूरथी तमे तंबू हटावी लो, अमे अमारी जमीनों पर अमार तमार तंबू ना जोईए, अमार ग्राम सभानो ठराव छे अमारी पासे अने अमे तंबूमांथी अहींथी हटावी लो, अमे अत्ये बाजूमां अमे सत्याग्रह सावणी करवा तैयार छे आज। तो ये थी यहाँ पर केवड़िया गांव की महिला, जिन लोगों की एक ही मांग है यहाँ पर कि पुलिस द्वारा यहाँ पर ये जो तंबू जो लगाया गया है उसे तत्काल दूर किया जाए।